प्रोसीजर फॉर ट्रांसप्लांटिंग, उसका बाद आ गया है ना दो स्टेप देख लिए हैं ट्रांसप्लांटिंग का, ट्रांसप्लांटिंग देखे क्या है, फिर उसका दो स्टेप क्या देखे सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग फॉर ट्रांसप्लांटिंग, फिर देखे आइडियल कंडीशन है उसका, अभी उसका नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर, तरीका भी तो मालूम होना चाहिए, देख लिया परख किया जांच लिया सब कर लिया, तरीका मालूम होना चाहिए कैसे का, इसका तरीका पहले क्या है, जब हम लोग पेड़ को एक जगह से निकाल के दूसरा जगह लगाएंगे तो उसका साथ रूट सिस्टम रहेगा, तो ऑब्वियस है कि हम लोग को होल बनाना पड़ेगा पहले खेत में या मेन फील्ड में, क्योंकि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि आप लोग पहला वीडियो में देखेंगे कि उसको ट्रांसप्लांटिंग मतलब क्या परमानेंट एक जगह से शिफ्ट करके उसको परमानेंटली दूसरा जगह में लगा देंगे, उसके लिए होल्स बनाना है, होल्स आर मेड इन द मेन फील्ड विद द हेल्प ऑफ अ खुरपी और अ शोवर, हम लोग बनाया था पातू या जो भी है लोकल भाषा में बोले तो उससे हम लोग गड्ढा बना है, गड्ढा बना के रेडी कर ठीक है, एट अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस फॉर अ क्रॉप के लिए, एक एक क्रॉप का जो बीच में दूरी होना चाहिए जितना समान अंतर दूरी होना चाहिए उस पर हम लोग एक एक गड्ढा बनाएंगे ठीक है, फिर उसमें लगाएंगे वन सीडलिंग इज प्लेस इन ईच होल, तो वन फॉर वन सीडलिंग ठीक है, वन फॉर वन सीडलिंग one hole, one seed. Cover it soup with soil firmly. जब लगाने के बाद जो है उसका आसपास हम लोग मिट्टी से अच्छा से दबा उबा के ठीक कर देंगे ताकि गिरे ना टॉपल ना हो ठीक है, और बराबर एक जगह बने रहे। The seeding of solanaceous crops are transplanted on flat bed or on the sides of ridges. तो अभी इसका भी तरीके हम लोग flat bed बना के उसमें लगा सकते हैं या ridges बना के, जैसे ridges बोले तो ऐसा आपको स्क्रीन में देख रहे हैं ऐसा ऐसा बनाते हैं ना मिट्टी का मेड़ी टाइप का, उसमें हम क्या करते हैं यहाँ पे साइड में ऐसा लगाते हैं है? बीच में हम पानी छोड़ते हैं चलने के लिए जगह रहता है जो बीच में है साइड में ऐसा लगा देते हैं, फिर आस्ते आस्ते हम लोग उसको मिट्टी को वो कर करके उसको सेंटर में ला, तो वैसा तरीका हम लोग अपनाते हैं ठीक है करने का। साइड में प्लांटेड ऑन अ फ्लैट बेड रिजेस एंड फर्रोज आर मेड आफ्टर द सीडलिंग सेट फॉर्म, तो रिजेस एंड फर्रोज आप लोगों को बताया था क्या है क्लास में आप लोगों को बता चुका था वीडियो क्लास का पहले ही बता चुका था ठीक है। इरिगेशन शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो हम लोग देखे थे कि ट्रांसप्लांटिंग करने के पहले भी हम लोग पानी डालना चाहिए, इरिगेशन करके भी ट्रांसप्लांटिंग करना चाहिए, और ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद भी ध्यान रखना है कि इरिगेशन होना चाहिए ठीक है। इरिगेशन शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग इन द इनिशियल स्टेजेस सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड एट द साइड ऑफ रिजेस, जैसे बताया था कि अगर रिजेस बनाते हैं तो इनिशियल स्टेज में साइड में लगाते हैं ठीक है, साइड ऑफ द रिजेस, लेटर अर्थिंग अप इज डन टू ब्रिंग द प्लांट इन द सेंटर ऑफ द रिजेस, बोला था ना अर्थिंग अप करते हैं वही अर्थ प्रोसेस को अर्थिंग अप बोलते हैं ठीक है, साइड से उसको सेंटर में लगाते हैं ठीक है, आफ्टर अर्थिंग अप, आफ्टर अर्थिंग अप क्या होगा, अभी ये रिजेस